मणिपुर की भयानक स्थिति को दिखाने वाले ये दृश्य जब सोशल मीडिया पर शेयर किए गए तो भारतवासियों की आंखें शर्म से झुक गई। मणिपुर में हो रही हिंसा पर दुनिया के कई देशों ने भारत की तीखी आलोचना की। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना 4 मई को बी फेनोम गांव में हुई थी। दो महिलाओं को नग्न कर परेड करवाने और एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने की इस घटना के कारण देश भर में गुस्से का माहौल देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी थी। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर पुलिस ने वीडियो को वायरल होता देख अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और बताया कि इस मामले के संदर्भ में थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। इस ट्वीट के एक दिन बाद यानी कि 20 जुलाई को अपडेट आया कि इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ट्वीट 9:39 पर किया गया था। इसके कुछ समय बाद 9:41 पर मणिपुर पुलिस ने एक और ट्वीट किया और कहा कि इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस ने प्रीपाक प्रोगेडर अब्दुल हलीम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। चंद मिनटों के बाद 9:47 पर ANI ने ट्वीट किया और कहा कि 38 वर्षीय अब्दुल हलीम को वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये गिरफ्तारी नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के बारे में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की गई है। ANI के कथित दावे के आधार पर NDTV और आउटलुक ने भी यही दावा किया, हालांकि बाद में इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। मीडिया द्वारा ये दावा शेयर किए जाने के कुछ ही वक्त में राइट विंग यूजर्स दावा करने लगे कि मणिपुर पुलिस ने 4 मई को हुई घटना के सिलसिले में अब्दुल हलीम को गिरफ्तार किया है। भाजपा सदस्य तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, BJYM सदस्य अपूर्व सिंह, ऋषि बागरी, सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार सागर कुमार और अभय प्रताप सिंह ने यही दावे किए। तो क्या वाकई में मणिपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए अब्दुल हलीम को वायरल वीडियो के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? ANI समेत कई राइट विंग यूजर्स के इस दावे की असलियत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो गौर करिए कि मणिपुर पुलिस ने ये दोनों ट्वीट्स अलग अलग किए हैं। अब्दुल हलीम की गिरफ्तारी की बात बताते हुए मणिपुर पुलिस ने लिखा है कि इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस ने एक प्री पाक प्रो कैडर को गिरफ्तार किया। प्रीपाक मणिपुर का एक संगठन है जो कि एक अलग होमलैंड की मांग करता है। वहीं वायरल वीडियो के संदर्भ में 4 लोगों की गिरफ्तारी नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में हुई है और अब्दुल हलीम को इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया जिसमें अब्दुल हलीम की गिरफ्तारी के बारे में पॉइंट 4 में बताया गया है कि इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस ने 38 वर्षीय अब्दुल हलीम को गिरफ्तार किया जो कि एक प्री पाक प्रो कैडर है। तो वही वायरल वीडियो में हुए अपराध के सिलसिले में की गई गिरफ्तारी के बारे में पॉइंट 2 में बताया गया है जिसके मुताबिक नोंगपोक सेकमाई पुलिस ने घटना के 3 और मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है और इसी के साथ गिरफ्तार हुए अपराधियों की संख्या अब 4 हो गई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। 21 जुलाई को ANI ने ये ट्वीट किया और स्पष्टीकरण देते हुए अपनी गलती के बारे में माफी मांगी, यानी मणिपुर पुलिस ने एक और घटना के संदर्भ में अब्दुल हलीम को गिरफ्तार किया था जिसे मीडिया चैनल्स और राइट विंग यूजर्स ने दो महिलाओं को नग्न कर परेड करवाने और कथित बलात्कार की घटना के संदर्भ में हुई गिरफ्तारी बताया। देश में हुए इस भीषण अपराध के बारे में सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा किया गया सांप्रदायिकरण न सिर्फ समाज के लिए बल्कि मानवता के लिए भी शर्मसार है।